हेलो एवरीवन, अब हम करेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन के कुछ क्वेश्चंस जो हमारे सिलेबस में है। ओनली 5 क्वेश्चंस है हमारे, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। बाकी 17, 18, 19, 20, 21, 22 हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मेन मैंने आपने पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि इसमें सी में आंसर नहीं बचता है, इसमें हमें सी की वैल्यू निकालनी होती है। अब सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हमें एक्स वाई की, हमें वो एक्स वाई की वैल्यू गिवन होगी। हम सिंपली जैसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे वैसे ही इस बार सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे। एक्स वाई की वैल्यू पुट करते ही हमारा सी आ जाएगा, तो लास्ट में हम सी के साथ उसे कोलैबोरेट करके लिख देंगे बढ़िया से जाके, ठीक। तो जैसे कि हम करते हैं ये क्वेश्चन, ये 11th क्वेश्चन हमारा, एक्स क्यूब प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सिंपली एक्स की तरफ एक्स वाले, वाई की तरफ वाई वाले, तो यहाँ वाई वाला तो कुछ है नहीं, तो वाई अकेले ही रहेगा डी वाई, और यहाँ एक्स के टर्म वाले सारे आ जाएंगे, ठीक है। अब ये कैसे होगा, ये पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ होगा इसमें, क्योंकि बिना पार्शियल फ्रैक्शन के हम इसे कर ही नहीं सकते, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये। तो हम क्या करेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में करेंगे। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इससे हम अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ एक्स प्लस वन बचेगा, और यहाँ से वन कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस वन, तो एक हिसाब से हमारा ये बन रहा है। देखो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स प्लस वन, यहाँ से वन कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस वन, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों को एक लिख देंगे और इसको अलग लिख देंगे। तो देखो मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस वन, ठीक है। अब ये बन गया पार्शियल फ्रैक्शन हमारा, सिंपली कौन सा वाला पार्शियल फ्रैक्शन बन गया, देखो ये रहा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए अपॉन ये प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन ये। अब बी एक्स प्लस सी क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे एक्स के एक्स के पावर में आ रही है, अगर यहाँ एक्स पावर में नहीं होता तो सिर्फ हम बी अपॉन सिंपली बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखते, लेकिन कभी भी एक्स की अगर पावर लग जाए, सिंपल नॉर्मली यूज़ करने वाले फॉर्मूले में अगर एक्स के साथ उसकी पावर लग जाए तो हम उसे बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको नीचे का एलसीएम लेंगे, हम एलसीएम ये आएगा हमारा, एलसीएम लेने के बाद तो उससे क्या होगा, नीचे वाले से नीचे वाला ये कट जाएगा, ठीक है, कट गया। तो टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू हमें ये मिल गई, ठीक। अब इसको हम ब्रैकेट खोल के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, तो ये हमारा ऐसा कुछ बन जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर वालों को कॉम एक साइड ले लेंगे, एक्स वाले एक तरफ, बिना एक्स वाले एक तरफ, मतलब यही नहीं में एक, और फिर उससे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे कुछ बनेगा, एक्स कॉमन ले लेंगे कुछ बनेगा, और जहाँ बिना एक्स वाले हैं वो बिना एक्स वाले रहेंगे। जैसे कि ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स स्क्वायर में से हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ए प्लस बी ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, सी एक्स प्लस बी एक्स, अगर एक्स कॉमन लेंगे तो बी एक्स बी प्लस सी ब्रैकेट एक्स, और ए प्लस सी ऐसी बिना एक्स का हो गया ये रहा। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने इससे ऐसा करने से हमारा क्या फ़ायदा हुआ, इस तरीके से करने से हम कंपेयर कर सकते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट, जैसे एल एच एल इक्वल टू आर एच एल करके हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट हमारा ए प्लस बी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट हमारा टू, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी ए प्लस बी इक्वल टू टू। यहाँ पे एक्स का कोफिशेंट है बी प्लस सी, यहाँ पे एक्स का कोफिशेंट है वन, ठीक, तो b प्लस सी इक्वल टू वन। यहाँ पे c प्लस ए प्लस सी का कोफिशेंट है, देखो a प्लस सी है, तो यहाँ पे तो बिना x वाले टर्म है ही नहीं, तो हम लिख देंगे a प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब इसको इनको सॉल्व करके हम a प्लस बी प्लस सी ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, उनको हम यहाँ पुट करेंगे और फिर हमारा इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक। इसीलिए हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये देखो यहाँ ये हमारा बन रहा था, ठीक, बी ए प्लस बी इक्वल टू टू, बी प्लस सी इक्वल टू वन, ए प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो हम क्या कर सकते हैं, ए इक्वल टू माइनस सी भी कर सकते हैं, इसी को साइड ले जाओ तो इक्वल टू माइनस सी हमारी बन गई, और बी हम क्या करते हैं, हम यहाँ से सब सॉल्व करेंगे, तो ए और बी अलग अलग टर्म हो रखे हैं, हम दोनों की वैल्यू सी में निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो ए की वैल्यू आ गई माइनस सी, बी की वैल्यू आ जाएगी वन माइनस सी। इन ए की वैल्यू, ए की जगह हम सी रख देंगे और प्लस बी की जगह वन माइनस सी रखेंगे इक्वल टू टू। इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो टू सी इक्वल टू वन बचेगा, तो सी की वैल्यू हमारी हाफ आ जाएगी माइनस की, ठीक। अब सी की वैल्यू हाफ आ गई हमारी, तो जैसे सी की वैल्यू वन बाई टू है, यहाँ पे वन बाई टू पुट करेंगे, जैसे वन बाई टू पुट किया है हमने यहाँ पे बी प्लस सी इक्वल टू वन वाली इक्वेशन में, सी की वैल्यू हमने माइनस वन बाई टू पुट की, ठीक है। तो अब सी इस साइड जाएगा,
माइनस वन बाई टू साइड जाएगा तो प्लस वन बाई टू हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 3/2। अब बी की वैल्यू आ गई हमारी, ठीक। अब हम ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं यहाँ से, 3/2 यहाँ पुट करेंगे हम, तो ए प्लस बी इक्वल टू टू, ए प्लस 3/2 इक्वल टू टू, इसको इस साइड ले जाएंगे तो ए इक्वल टू टू माइनस 3/2, तो ए की वैल्यू आ गई हाफ। तो ये ए बी और सी की वैल्यू हमारी आ गई है। अब बस इसे हमें क्वेश्चन में रखने हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अब हमने यहाँ पे क्या था, ए प्लस ये प्लस बी अपॉन ये, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर इनको सॉल्व करेंगे, जैसे कि क्या सॉल्व करेंगे इसमें, जैसे बी एक्स बी ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब इसका हमें सिर्फ इंटीग्रेशन ही करना है, हाफ हमारा आगे 1/x का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेम एज इट इज़ प्लस हाफ का हम कॉमन ले लें कॉन्स्टेंट है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे हम, इसको सेपरेट करेंगे, 3/x अपॉन ये माइनस 1/ ये, तो 3/x अपॉन इसका डिनोमिनेटर माइनस 1/ इसका डिनोमिनेटर, क्योंकि इसको सिंपली हम इसको ऐसे कर सकते हैं सेपरेट, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें नीचे वाले टर्म को मान लेंगे t, जैसे t मानेंगे तो हमारा ये बनेगा कुछ, देखो जैसे t मानेंगे तो dx की वैल्यू आएगी हमारी dt/2x, जिससे हमारा x से x कट जाएगा, ठीक। x से x कट गया और नीचे 2 बचा, 3/2 बचा, 3/2 को हमने बाहर ले लिया और इसको हमने जो t माना था वो हो गया log t, क्योंकि 1/t क्या होता है, log t होता है। तो 1/2 पहले से था, ये 3 और नीचे का 2, 3/2 बाहर आ गया, इसको हमने t माना है तो हो गया ये log t, प्लस ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होता है tan इनवर्स x, तो हमने ये पुट कर दिया यहाँ पे। अब t की वैल्यू जो हमने माना था उसको यहाँ t की वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे t की वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगी इक्वेशन हमारी प्लस c के फॉर्म में। हमें ये क्वेश्चन में गिवन है x की वैल्यू और y की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो बस हम x y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, x y की वैल्यू हमने 1 रख दी यहाँ पे, x की वैल्यू 0 यहाँ पे 0 रखेंगे तो log x log 1 क्या होता है, log 1 0 होता है, log 1 की वैल्यू हमारी 0 होती है, ठीक। तो 3/4 यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम x x की जगह 0 रखेंगे तो ये भी log 1 बन गया, x हट गया 1 बचा ना, तो ये देखो ये भी log 1 बन गया, तो ये भी 0 पूरा हो गया। अब यहाँ पे tan इनवर्स x, यहाँ पे 0 रखा हमने, तो देखो y इक्वल टू 1 प्लस tan इनवर्स 0 प्लस c बचा, क्योंकि ये तो ये पूरा 0, ये पूरा 0 हो गया, ये बचा सिर्फ हमारा। अब tan इनवर्स 0 होता है हमारा 1, ठीक, तो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, तो c की वैल्यू हमारी 1 आ गई। अब वही हमारी जो ये जो इक्वेशन बनी थी उसमें c की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, बस वही हमारा आंसर होगा, ये हमारा पर्टिकुलर, इसमें c नहीं, इसमें हमारा कोई कांस्टेंट के टर्म में आंसर बचता है, इसमें c के टर्म में आंसर हम नहीं छोड़ेंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में भी पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, हम कुछ नहीं एक्स वाले टर्म एक्स के साथ वाई वाले टर्म वाई के साथ किए हमने, तो वाई की वाई इक्वल टू ये हो गया हमारा। अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा कैसे, एक्स समथिंग ये, ठीक है, तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में खोल सकते हैं, क्या होता है ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी, तो देखो यही तो बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने ए एक्स प्लस वन और x माइनस वन में तोड़ दिया, तो ये क्या हो गया। अब देखो ऊपर x की पावर कुछ नहीं है ना, तो सिंपल हम a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में ले सकते हैं, तो a अपॉन x b अपॉन ये c अपॉन ये, ठीक, ले लिया हमने। अब इसका लेंगे हम LCM, LCM के बाद इससे ये हमारा ये कट जाएगा, तो 1 इक्वल टू हमारा ये होगा, और फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट अलग लिखेंगे, एक्स के अलग लिखेंगे और कांस्टेंट को अलग साइड लिखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम करेंगे कंपेयर, जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ पे है एक भी नहीं है, यहाँ पे एक भी एक्स स्क्वायर, तो हम एक्स स्क्वायर कोफिशेंट 0 मानेंगे, तभी तो यहाँ पे नहीं है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन गया होगा, तो हमने लिखा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। नेक्स्ट है बी माइनस सी एक्स, ठीक है, तो एक्स की यहाँ पे भी एक्स का कोई कोफिशेंट नहीं है, तो मतलब उसका कोफिशेंट भी 0 ही होगा, तो हमने b माइनस सी को इक्वल टू 0 रख दिया, और ये यहाँ पे कांस्टेंट है, ये माइनस है यहाँ पे भी कांस्टेंट है, तो माइनस a इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, तो a की वैल्यू हमारी हाफ आ गई, a की वैल्यू हमारी माइनस 1 आ गई। अब इस a की वैल्यू माइनस 1 को देखो, अब ये इतना हमने कर लिया था, a की वैल्यू हमारी आ गई थी,
अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा कुछ सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे कि b की वैल्यू क्या होगी हमारी, b इसको यहाँ ले जाओ, तो बी की b इक्वल टू c है हमारा, तो हम c तो पहले से ही है, b इक्वल टू c है तो b की जगह c रख देंगे, और a की वैल्यू माइनस वन आ रखी है तो 2c माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो c की वैल्यू हमारी हाफ आ गई। अब c की वैल्यू हाफ है तो b की वैल्यू भी हाफ ही होगी क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो कुछ नहीं यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो c की वैल्यू भी हाफ आ गई। तो हमारी a b c तीनों की वैल्यू आ चुकी है, अब जस्ट हमें पुट करना है और इंटीग्रेशन करना है। a की वैल्यू क्या थी, माइनस वन लिख दी माइनस वन, b की वैल्यू हाफ थी हाफ लिख दिया, c की वैल्यू हाफ थी हाफ लिख दी, बाकी अब इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं। देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस लॉग एक्स, इसको मत देखो अभी, माइनस लॉग एक्स होगा इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वन बाई टू लॉग एक्स प्लस वन, ठीक। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वन बाई टू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन हो गया हमारा प्लस सी। अब यहाँ पे सब लॉग लॉग में है तो हम सी को भी लॉग में ले लेंगे, ठीक है। तो हमें लिख दिया लॉग सी, अब इसको मत देखो लॉग सी, ठीक। अब क्या करेंगे हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, ये जो हमारा ये आया था इसको हम पावर बना सकते हैं ऊपर ले जाके, यहाँ पे तो लेकिन था ही नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ log x है, तो हम अपने मन से हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाफ से मल्टीप्लाई होने का मतलब ये इसकी पावर बनेगी, जैसे ही इसकी पावर बनेगी 2 से 2 कट जाएगा, तो सिंपल हमारा log x बन जाएगा, इसलिए हम पावर 2 लगा के नीचे हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही कांस्टेंट में भी करेंगे, स्क्वायर लगा के हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा न्यूट्रल रहे हमारा। तो अब देखो सब जगह हाफ हाफ हो गया, हाफ हमने ले लिया कॉमन, तो कुछ इस प्रकार का हो गया। तो अब इसमें हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, लॉग ए, जैसे लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए इन टू बी होता है, तो वही हमने क्या, जहाँ जहाँ प्लस था जो जो प्लस वाले थे उनको कर दिया हमने, क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई में। जैसे कि ये रहा एक्स, ये प्लस वाला है तो ये रहा लॉग, और ये भी प्लस में है तो ये भी मल्टीप्लाई में कर दिया, ये भी प्लस में ये भी मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन ये माइनस में है, माइनस में होती है वो डिवाइड में आ जाता है, तो हमने इसको डिवाइड में कर दिया। तो अब हमें वैल्यू गिवन थी ए, एक्स और वाई की वैल्यू हमें गिवन थी, एक्स और वाई की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो वाई की वैल्यू हमें जीरो गिवन थी, एक्स की वैल्यू टू गिवन थी। तो जैसे ही यहाँ पुट करेंगे तो ये कुछ बनेगा, फिर हम बोथ साइड एक्सपोनेंशियल ले लेंगे, जिससे ये लॉग हट जाएगा और ये हो जाएगा ई की पावर, देखो एक्सपोनेंशियल लेंगे तो ये हो जाएगा ई लॉग 3k की स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू ई की पावर 0, तो ये हो जाएगा, ये तो हट जाएगा, 3k स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू किसी नंबर की पावर 0 तो 1 होता है, तो k की वैल्यू आ जाएगी 4/3 का रूट, अब इसको आप 2/√3 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है, अब इसका क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, बस यहाँ पे हम कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देंगे या फिर यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा आंसर एक्यूरेट रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही ईजी है, देखो जैसे कि कॉस वाई, कॉस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए दे रखा है, तो इसको कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कॉस को इस साइड ले जाओ क्योंकि हमें वाई अलग और एक्स अलग रखना है ना, तो अलग अलग करने के लिए पहले कॉस हटाना पड़ेगा, कॉस यहाँ ले जाएंगे तो कॉस इनवर्स ए हो जाएगा, फिर वाई वाले वाई की तरफ, एक्स वाले एक्स की तरफ है ही नहीं कहीं एक्स वाई, तो इक्वल लग दिया, डी वाई इक्वल टू डी एक्स वाले साइड ले आए हम, तो फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई हो गया, कॉस इनवर्स ए ये एक कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, और फिर ये डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, ठीक। तो हमारा ये क्वेश्चन बन गई y इक्वल टू कॉस इनवर्स ए इंटू एक्स, एक्स कहाँ से आया, इसको वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, ये हमारी इक्वेशन बनेगी वन। अब हमें क्या करना होता है, सिंपली जैसे अभी कर रहे थे c की वैल्यू निकालनी होती है, तो हमें x यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, x की वैल्यू जीरो है, y की वैल्यू वन है, पुट करेंगे हम y की वैल्यू वन x की वैल्यू जीरो, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो पुट करते ही, तो c इक्वल टू वन, तो c की वैल्यू वन आ जाएगी, तो इसको हम थोड़ा कोलेबरेट करके लिख देंगे, जैसे सेम यही हमारा आंसर था, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन था, पर्टिकुलर के लिए सी की वैल्यू निकालते हैं, तो सी की वैल्यू वन आई है, तो बस सी की जगह वन रख देंगे, हमारा आंसर आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन है, ये हमें गिवन है, तो हम वाई की तरफ वाई, एक्स की तरफ एक्स करेंगे, तो डी वाई, ये वाई नीचे ले आए हम, एक्स ऊपर ले आए, तो देखो तो इतना कर लिया हमने, वन अपॉन वाई का इंटीग्रेशन लॉग वाई हो जाएगा, टेन एक्स का इंटीग्रेशन हमने 7th चैप्टर में पढ़ा था, लॉग sec x होता है, अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो आप टेन एक्स को साइन x अपॉन कॉस में तोड़ेंगे,
ठीक है। फिर कॉस एक्स को आप टी मानेंगे, ऐसे कॉस एक्स को टी मानेंगे साइन कट जाएगा, ठीक, तो आपका आ जाएगा माइनस लॉग, ठीक है, माइनस लॉग क्या आएगा कॉस एक्स, ठीक है। अभी माइनस क्या बन जाता है, पावर बन जाता है, तो माइनस मतलब कॉस नीचे होगा, वन अपॉन कॉस हो जाएगा, ये वन अपॉन कॉस मतलब सेक, तो ये हो जाएगा लॉग सेक। ये टेंथ, ये सेवेंथ चैप्टर में अच्छे से है, तो अभी आप इसको फॉर्मूले की तरह भी यूज कर सकते हैं कि टेन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स होता है। फिर हम बोथ साइड एक्सपोनेंशियल लेंगे, जिससे लॉग से लॉग कट जाएगा, वाई इक्वल टू सी सेक एक्स हमारा आ जाएगा जनरल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे एक्स वाई की जो वैल्यू हमें गिवन है उसको हम पुट करेंगे, वाई वन है सी एक्स जीरो है, तो यहाँ पुट करेंगे वाई वन एक्स जीरो, सेक जीरो वन होता है, ठीक है, तो ये हमारा सी की वैल्यू वन आ गई है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कितना आसान है, देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये दे रखा है हमें, वाई की तरफ वाई वाली टर्म लाएंगे, एक्स की तरफ एक्स वाली टर्म लाएंगे, तो वाई इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स, ठीक है। अब इसका ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इतना ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आस्क होता है हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, क्यों, क्योंकि इसमें थोड़ा रेपिटेशन होता है, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट है, ये है ट्रिकी क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन है, ट्रिकी है। देखो इसमें क्या होता है, आईलेट वाला रूल फेल हो जाता है, जैसे हम आईलेट लगाते हैं कि पहले इनवर्स फिर लॉगरिथम फिर अलजेब्रिक फिर ट्रिग्नो फिर एक्सपोनेंशियल, इसमें किसी को भी वन मान लो, किसी को भी टू मान लो, और फिर लगा दो फाइव फॉर्मूला यू इन टू वी करके, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे, पहले को रखे दूसरे का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स लिख दिया, माइनस यहाँ माइनस समझो, पहले माइनस, पहले को रखे दूसरे का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स यहाँ रहेगा और माइनस आके ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है, फॉर्मूले में माइनस होता है और ये कॉस एक्स का माइनस आके प्लस बना देगा इसको। तो फिर देखो ये फिर एक क्वेश्चन बन गया, तो इसको तो हम एस्टिस लिख देंगे प्लस। अब इसका फिर हम सॉल्व करेंगे, पहले को रखकर इसका इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का इंटीग्रेशन, सॉरी पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स होता है, बस। फिर क्या था, ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, ये देखो क्वेश्चन में साफ साफ ये था, तो हम इसको मान लेंगे आई, क्योंकि यही इसी को हम आई को ही तो सॉल्व कर रहे थे अभी तक, तो फिर आई बन गया, ये यही ट्रिक है इसमें कि आई को ही सॉल्व करते जाते हैं तो लास्ट में भी हमारा आई ही बनता है, तो इसको हमने आई मान लिया, माइनस ये माइनस है तो माइनस आई, माइनस आई इधर आएगा तो टू आई हो गया, फिर टू को हमने नीचे डिवाइड में भेज दिया, तो और फिर ई एक्स कॉमन लेके ये हमारी बन गई जनरल इक्वेशन, ठीक। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है एक्स और वाई की वैल्यू, जैसे एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी और हम इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन में चेंज कर देंगे। एक्स वाई की वैल्यू जीरो जीरो गिवन दे रखी है, तो वाई जीरो रख दिया, एक्स जीरो 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 सब जगह जीरो रख दिया, साइन जीरो तो जीरो ही होता है, कॉस जीरो होता है वन, तो वन प्लस तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन टू प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो सी की वैल्यू हमारी हाफ आ जाएगी, सी की वैल्यू हाफ आ गई, तो बस उसी क्वेश्चन में हमने रख दी बस वैल्यू, ये हमारा जो जनरल सॉल्यूशन आया था, जनरल सॉल्यूशन जो आया था हमारा, इसी में हमने यहाँ पे बस सी की वैल्यू रखनी, निकाल के रखनी थी हमें, तो हमारी सी की वैल्यू हाफ आ गई है, तो हम हाफ रख देंगे उसका देखो एलसीएम ले लेंगे, इसका बेस सेम है तो टू ऊपर चला जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इसमें भी हमें एक्स वाले टर्म एक्स के साथ रखना है और वाई वाले टर्म वाई के साथ रखने हैं। वाई को इसको नीचे लाएंगे, इस एक्स को ऊपर ले, इसको इस एक्स को इसके साथ लाएंगे, डी एक्स को ऊपर लाएंगे, मतलब डी वाई इक्वल टू डी एक्स करते हैं और एक्स वाले एक्स वाले वाई के साथ करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा कुछ बनेगा, ठीक। अब क्या करेंगे, इसका तो इंटीग्रेशन हम सिंपली कर सकते हैं, है ना, थोड़ा सेपरेट किया हमने इसको, तो एक्स अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन एक्स, इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, अपने मन से प्लस टू और माइनस टू कर दो, कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, है ना, प्लस टू माइनस टू कर दो, उसका फिर सेपरेट करो, तो एक्स तो सेपरेट करेंगे कहाँ से, यहाँ से सेपरेट करेंगे, यहाँ से, तो क्या होगा, वाई प्लस टू अपॉन वाई प्लस टू माइनस टू अपॉन वाई प्लस टू, इससे हमारा ये कट गया, तो ये हो गया डी वाई, ठीक है, और ये हमारा ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, ये रहा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमें सिर्फ सिंपल सा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई होगा, देखो, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन जो हमारा था, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टू लॉग वाई प्लस टू इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन एक्स प्लस इसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स, ठीक है,
ये हमारा हो गया। अब इसको हम लॉग लॉग वाले एक साइड कर देंगे, बिना लॉग वाले एक साइड कर देंगे। तो ये बिना लॉग वाले हैं, ये लॉग वाले हैं, और बस फिर हम प्रॉपर्टी लगा देंगे लॉग की। इसको हम पावर लगा सकते हैं, ठीक है, टू को मैंने पावर में लगा दिया, ठीक, टू को पावर में लगा सकते हैं। उसके बाद लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे, लॉग ए प्लस बी इक्वल टू लॉग ए इंटू बी होता है, ठीक, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है लॉग ए इंटू बी। तो हमने प्रॉपर्टी लगा दी, तो ये इक्वल टू हमारा ये हो गया। अब एक्स और वाई की वैल्यू हमें गिविन थी, एक्स और वाई की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो सी की वैल्यू हमारी आ जाएगी, और जो सी की वैल्यू आएगी उसी के साथ हम अपना फाइनल आंसर फिनिश कर देंगे। हमारी ये क्वेश्चन तो स्टार्टिंग में ही बन गई थी, ये देखो ये बन गई हमारी क्वेश्चन जैसे हम करते थे। बस सी की मेन होता है हमें यहाँ सी की वैल्यू निकालना, मेन होता है हमें सी की वैल्यू निकालना। तो सी की वैल्यू हमारी हाफ आ गई, मतलब टू माइनस टू आ गई है, बस ये माइनस टू हम यहाँ पुट कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। और इस तरीके से ये एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 9.5, और फिर करेंगे 9.6, और फिर करेंगे इसके मिसलिनियस। ओके ठीक है, टाटा बायू।